नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। जनपद गाजीपुर का सिमरा गांव पिछले 20 वर्षों से कटान का दंश झेल रहा है, पर 2013 में आई बाढ़ की तबाही से इस गांव का आधा हिस्सा तबाह हो गया और लगभग आधा गांव गंगा कटान की भेंट चढ़ गया और सैकड़ों परिवार अपने घरों को अपने सामने गंगा में प्रवाहित होते देखने को मजबूर हुए। अब तक ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा जमीन भी कटान की भेंट चढ़ चुकी है। इस गांव के लोग लगातार सरकार और जनप्रतिनिधियों से कटान से बचाव का गुहार लगा रहे हैं, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी और कोई ठोस कदम भी आज तक सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया। अब ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। आज आंदोलन के 20वें दिन सिमरा के साथ ही आसपास का अन्य गांव के लोगों ने एक महापंचायत किया और फैसला किया कि अगर 6 मई तक प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो 7 मई से तहसील मुख्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो के माध्यम से ऊपर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। आंखों में एक आस लिए पंचायत की ओर देखते हुए ये बुजुर्ग शायद इस उम्मीद से यहाँ आए हैं कि शायद इस पंचायत के माध्यम से कटान से बचने का कोई रास्ता निकल आएगा। कटान से अपना घर खो चुकी ये बूढ़ी महिला जो प्राइमरी स्कूल में विस्थापित जीवन जी रही है, उसको भी शायद यही आस है कि शायद उसे सरकार कहीं एक घर दे दे, पर प्रशासन और सरकार इस समस्या से ग्रामीणों को निकालने के लिए अब तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई है और कटान राहत के नाम पर अब तक करोड़ों का वारा न्यारा जरूर हो चुका है, पर सिमरा के लोगों को कटान से राहत नहीं मिली। 2013 में गंगा में आई भयानक बाढ़ ने सिमरा गांव के आधे हिस्से को खत्म कर दिया और उसके बाद जारी लगातार कटान से करीब 585 परिवार विस्थापित जीवन जीने को विवश हैं, क्योंकि उनका घर गंगा की भेंट चढ़ चुका है। सिमरा की सैकड़ों बीघा जमीन की भी गंगा अपने आगोश में ले चुकी है, इसीलिए कई परिवारों को अब खाने के भी लाले हैं। सिमरा के लोग पिछले 6 सालों से कटान से बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अब फिर बरसात भी करीब है और अभी तक कटान से बचाव का शासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। पर अब ग्रामीण पूरी तरह से आंदोलन का मूड बना चुके हैं और पिछले 20 दिनों से लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों द्वारा नदी में खड़े होकर प्रदर्शन और भिक्षाटन से गुजरता हुआ ये आंदोलन आज महापंचायत तक जा पहुंचा, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस महापंचायत में भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों ने भाग लिया। इस महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 6 मई तक हमारा क्रमिक अनशन चलेगा और ये अगर सरकार और जिला प्रशासन द्वारा 7 मई तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो तहसील स्तर पर आंदोलन चलाएंगे और तहसील पर डेरा डालो घेरा डालो के तहत तहसील को घेरेंगे। वहां से भी अगर हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया तो हम जिला मुख्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो के तहत जिला मुख्यालय को घेरेंगे और अगर वहां पर भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम लखनऊ में घेरा और डेरा डालेंगे। आपका गांव में जो मामले चल रहे हैं सिमरा कटान को लेकर, किस तरह से ये मामला कब स्टार्ट हुआ है और आज आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? कटान तो लगभग 20 साल पहले से चल रहा है, इसके लिए आंदोलन जो है दो दशक पहले शुरू किया गया था, लेकिन उसमें जो है कांग्रेस के एक जो बनारस के जो सांसद थे राजेश मिश्र जी, उन्होंने आकर के आश्वासन दिला कि उसमें कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन कोई काम नहीं हो सका और तब से कटान शुरू हुआ होता रहा। बीच बीच में जो है हम गांव वाले लोग जो है आंदोलन करते रहे। मुख्य रूप से आंदोलन की का रूप जो है 2013 से जो भीषण बाढ़ आई, जो उसमें कटान हो गया, लगभग अपने गांव का आधा मतलब 50% लोग यहां से विलीन हो गए, उनका घर द्वार विलीन हो गया और वो लोग कोई जूनियर हाई स्कूल मोहम्मदाबाद, कोई मंडी में, कोई अपने खेत में अपना निवास बनाया हुआ है। लेकिन इस समय जो परिस्थिति है आज कटान की, गांव के बिल्कुल किनारे पर गंगा जी बह रही हैं और इस बार अगर बाढ़ आ गई तो जो 50% बचा हुआ है वह भी बचेगा नहीं, सबको अपना डेरा उठाना पड़ेगा। चुनाव से पहले इसी गांव के लोगों ने चुनाव में यह कहा था कि अगर हमारा सिमरा कटान
वक्त नोटा का भी प्रयोग नहीं किया, जो लोग जो है पार्टी के में बढ़ गए, तो आखिर कैसे निर्णय होगा? देखिए, निर्णय तो हम तो चूंकि आश्वस्त इस विषय से थे कि हमारी केंद्र में सरकार अगर गांधी मोदी जी की है और प्रदेश में सरकार हमारी बन जाती है तो हमारा गांव का जो है कटान जो है रुक जाएगा। लेकिन आज जो इतना हम लोग सोचे थे उस पर पानी फिर रहा है, काम नहीं बिल्कुल हो रहा है। नहीं, यह तो नहीं माना जा सकता, लोग लगे हुए हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जितनी मैंने रखा था उनसे आशा, उस आशा के बिल्कुल विपरीत उन्होंने काम किया है। निर्णय लिया गया है कि हम लोग यथास्थान जो धरना चल रहा है चलेगा, नहीं अगर कोई कार्य होता है यहाँ शुरू तो तहसील को घेरेंगे, अगर मुख्यालय तहसील मुख्यालय से नहीं माना जा रहा है जिले को घेरेंगे, और जिले से भी नहीं होता है तो विधानसभा लखनऊ कुछ कर देंगे चलेंगे। हम लोगों ने निर्णय, आज का निर्णय हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसके बाद हम लोग कम्युनिटी कंसन सात यानी छः तक करेंगे, सात को हम लोग तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन घेराव सब करेंगे। हाँ, इसके बाद ये कोई निष्कर्ष ठोस पहल नहीं है। हाँ, तो जिले पर चलेंगे और जिलाधिकारी को घेरेंगे, वहाँ भी नहीं निकलेगा तो हम प्रदेश में जाएंगे लखनऊ, वहाँ हम लोग घेरेंगे योगी को। हम लोग ने यही निर्णय लिया है कि 7 तारीख को डेरा डालो, डेरा तहसील स्तर घेराव करेंगे, शासन नहीं मानता है उसके बाद जिला मुख्यालय घेराव करेंगे, और लास्ट में तो करो है बड़ों का नारा देकर डुआ डाई को गंगा में स्थापित होने काम करेंगे। पाँच तारीख तक मान रहे हैं हम जिलाधिकारी की बातों को, उसके बाद हम लोग 7 तारीख को तहसील का घेराव करेंगे। महापंचायत का नाम सुनते ही प्रशासन सतर्क था और पंचायत स्थल पर एसडीएम मोहम्मदाबाद के साथ ही पुलिस फोर्स तैनात रही। एसडीएम का कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा महापंचायत में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट को लगाया गया था, शासन प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी बात को पहुँचाया जाएगा। महापंचायत से जिला प्रशासन पर ग्रामीण दबाव बनाने में सफल रहे और आनन फानन में सिंचाई विभाग की एक टीम सिमरा पहुंची और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता का दावा है कि कल से कटान के बचाव के लिए बोल्डर लगने शुरू हो जाएंगे। सहायक अभियंता का कहना है कि सिमरा को बचाने के लिए 12-12 करोड़ की 3 परियोजनाएं स्वीकृत हैं और धन भी जल्दी ही आवंटित हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इसमें शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट लोगों को लगाया गया था, जिससे ये जो महापंचायत आयोजित की गई है सिमरा गांव के लोगों के द्वारा सिमरा को बचाने के लिए शांतिपूर्वक हो सके, इसमें हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है और शासन प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इन लोगों की बात को पहुंचाया जाएगा। हमारे इस सिमरा गांव को बचाने के लिए 12-12 करोड़ की 3 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत हैं, धन अति शीघ्र मिलने वाला है, टेंडर की कार्यवाही पूरी कर ली गई है, कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस साल की बाढ़ से पहले सारे कार्य पूरे करा लिए जाएंगे और गांव सुरक्षित हर हालत में रखा जाएगा, गांव को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कटान का दंश झेल रहे सिमरा के लोग क्या अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे और अपने लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से बहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे गांव का अस्तित्व संकट में है और अब यूपी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो शायद सिमरा गांव का नाम केवल इतिहास बनकर न रह जाए, ये डर इस गांव के एक एक परिवार के साथ पूरे गाजीपुर के लोगों को भी सता रहा है। Thank you.